Hey guys, it's Kritleen. Welcome back to Sidhu Vlogs. So guys, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो कि है गर्मी डेज टू और हम भी काफी गर्मी में बैठे हुए राइट नाउ एंड सितंबर 15 तक ऐसे ही गंदी गर्मी चलने वाली है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शारम की स्केचबुक की इस वीडियो पे हम रिएक्ट करेंगे. सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो हमारे दो इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, प्लीज टू फॉलो अस. चलें ये दोस्तों, वो के ये वीडियो मैं गर्मी के मौसम पर बना रहा हूँ. इसके बावजूद मेरी ये दुआ है कि इसे कंप्लीट करने और अपलोड करने से पहले ही गर्मी खत्म हो जाए, क्योंकि ऑनेस्टली इस साल की गर्मी ने तो वाकई में 14 तबक रोशन कर दिए. भाई पान वाले भी गिर रहे हैं. ओ स्वाद बनता है खाना. चलो नमक तो बुरा. घुस रहे हैं. भूख लग रही है अम्मी. अभी तो किया है तूने नाश्ता. सबर कर जाओ, बन जाता है खाना. निकलो ऐसे बाहर. अम्मी डांट क्यों रही है? नजर नहीं आ रहा इतनी गर्मी में खड़े होकर खाना बना रही हूँ. ऊपर से तू हर दो मिनट बाद आ जाता है. जगह देख कितनी तंग है यहाँ बावर्ची खाने में. क्या बना रही है? सर बना रही हूँ. साहब को देख के तो यही लग रहा है कि आज वाकई 40 डिग्री से ऊपर ही है. अच्छा दादा बातें ना कर, इधर आ. ये प्रेशर कुकर के ढकने पे जोर दे, मैं इसे घुमाती हूँ. दस दफा का प्रेशर कुकर की रबड़ ला दो. मजा आ रहा है? किसी को याद रहा मतलब है. अम्मी भूख लग रही है. अरे सबर कर ले मेरे बाप, मैं भी इंसान हूँ. बड़ी खुशबूएं आ रही है, क्या बन रहा है? लगता है गलत वक्त पे आ गई. गर्मियों में कभी कैंस और बोतलों में पीने का पानी भरने वाटर पंप जाओ, सही तमाशा लगा होता है. तो वाटर पंप में पानी भरने गई है? नहीं भाई, ये किसका है भाईजान? मेरा है, मेरा है. तो ये किसका? वो भी मेरा है. ये सारे नलकों पे मेरे ही हैं. यार ये क्या तरीका है, एक बंदा एक नल इस्तेमाल करे. ये किधर लिखा है? अबे लिखा तो ये भी कहीं नहीं कि मैं तेरा मुंह नहीं तोड़ सकता. उसे देखो बीच में बोतल घुसा रहा है. ओ भाईजान दिमाग ठीक है? क्या हो गया? क्या मतलब क्या हो गया? नजर नहीं आ रहा, बीच लाइन बोतल घुसा रहा है. दिमाग ठीक है भाई? क्या हो गया? पहले से रखी है. मैं बता रहा हूँ शराफत से हटा दे, नहीं तो इसी बोतल की बत्ती बना के तेरी गाड़ी में रख दूंगा. दिखा. अरे लड़ो नहीं यार, लड़ो नहीं. क्या हो गया? तू ज्यादा बातें ना कर, बाकी नलके खाली कर. ज्यादा उछल मत, तेरा दिमाग सेट कर दूंगा. मैं तेरा दिमाग सेट कर दूंगा. ये बॉटल्स कौन है? लेडीज हो ना? अबू. हाँ हाँ. ये क्या अबू जमीन पर क्यों लेटे? तो और क्या करूं, गर्मी देखिए और इस लोड शेडिंग ने तो भुरकस निकाल कर रख दिया. वैसे बात में वजन है. वजन के बच्चे एक काम कहा था तुम्हें, यूपीएस ठीक करवा दो. चलें कोई नहीं अबू, सबर करें, लाइट आ जाएगी अभी 3 घंटे में. बस थोड़ी सी देर रह गई. गर्मियों में सबसे बड़ा अजाब तो तब होता है जब आप सोने लेटो और लाइट चली जाए और मच्छर आपको अपनी प्लेलिस्ट सुनाना शुरू कर दे. गए वो दिन जब मौसम गर्मा की हमें उरूज का मुकाम 42 डिग्री हुआ करता था, क्योंकि अक्सर इलाका जात में हरारत का ये मुकाम अब रोज का मामूल बन चुका है. ऐसे में ना नलकों में ठंडा पानी आता है कि बंदा नहा ही ले और ना पंखे की हवा कुछ खास ठंडी होती है. लेकिन एक पार्ट गर्मियों के मौसम का हम सभी का फेवरेट है और वो है फलों का बादशाह आम. ये कौन है चोर जिसने फ्रिज से रात को आम शार्ट किए? भाई ने. ये दबीर ही है चोर. अबे भाई क्या हो गया? 6 आम पड़े थे, 2 तू खा गए, अब 4 रह गए. अम्मी सच बता रहा हूँ, मैंने नहीं खाए. अरे मानने में कोई हर्ज नहीं, मान जा. खैर खाने के लिए लाया था, और आ जाएंगे. अबे कैसे मानू जब मैंने खाया ही नहीं? अरे भैया जब किसी ने नहीं खाया तो क्या जिन है इस घर में? कोई तो झूठ बोल रहा है ना, पूरे 2 आम गायब है. अबे 2 या 1 सोच ले. अच्छा तुझे कैसे पता 2 थे 1 था? मैं तो वैसे ही कंफर्म कर रहा हूँ. खैर जिसने भी मेरा सूली किया है ना, खुदा को हिसाब देगा. अरे इजी हो जाए, तूने तो सजा जजा का हिसाब खोल दिया. हो सकता है जिसने भी खाया हो उसको ज्यादा भूख लगी हो, कोई मजबूरी ही होगी. बहुत अच्छे बड़े मियाँ, चोर पकड़ा गया, अब आपका हिस्सा तो खत्म. तो बाकी जो आम बचे उसे मिल्क शेक बना लेते हैं ना.
यार आप लोग की लाइट आ रही है? हाँ आ रही है। ठंडा पानी पिला दे जरा। अच्छा मैं लाता हूँ। पानी की बोतल मिल जाएगी? अच्छा लाता हूँ। यार बर्फ मिल जाएगी? अच्छा ला रहा हूँ। थैंक यू। यार आप ऐसा करो पूरा फ्रिज ही ले जाओ। अरे बहुत शुक्रिया, ये तो और भी अच्छी बात है। हैं? अच्छा ये बताओ। नाज़रीन आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते चलें कि गुज़श्ता दिनों बढ़ती बदबू डकैती के वाकयात में मुलव्वस 3 अफराद पकड़े गए हैं और इस वक्त हमारे रिपोर्टर कैसर थेबू वहीं मौजूद हैं। ओवर टू यू कैसर। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त लोईबीर थाने में मुलजमान के साथ मौजूद हूँ जिनसे मैं आपकी अभी बात करवाता हूँ। जी आपका क्या नाम है? मुअज़्ज़म हबीब पायनात। आपने अपना पेशा बताओ। जी मैं पढ़ता हूँ, बस कंडक्टर। स्टूडेंट हूँ। तो आप तीनों को पसीना ज्यादा आता है? जी। तो आप ये कैसे करते हो वारदात? जी बदबू से बेहोश करते हैं फिर माल लूटते हैं। तो कभी सोचा नहीं गलत काम है? जी। खुशबू पाउडर या फिटकरी क्यों नहीं लगाते? महंगाई है जी। और आप? जी लापरवाही है जी। और आप? खुशबू लगाएंगे तो वारदात कैसे करेंगे, बेहोश कैसे करेंगे? तो आपने पहली वारदात कब की थी? जी मैं प्रोफेसर के ऑफिस गई तो वो बेहोश हो गए तो मैंने उनका बटवा गायब कर लिया। तो नाज़रीन जैसा कि आपने देखा कि पसीने की बदबू के जोर पर लोगों को बेहोश करके उनका माल लूटने वाले जराइम पेशा ना सिर्फ गर्मी के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। कई लोगों का ये भी मानना है कि इन वाकयात की एक वजह डिओड्रेंट, इतर, टेलकम पाउडर और दीगर खुशबूजात की कीमतों में इजाफा है। जी का ये क्या बंद क्यों कर दिया? उठो जाओ और जाकर इलेक्ट्रिशियन को लाओ, पंखे का कैपेसिटर हफ्ते से खराब है। डैडी बाहर बहुत गर्मी है। इतना छुई मुई ना बनो, जितना गर्मी को महसूस करोगे उतना ही लगेगी। ठीक है डैडी, फिर गाड़ी में जाऊंगा, बाइक पर नहीं जा सकता, मेरी तशरीफ की सज्जी बन जाएगी। ये क्या लाइट फिर चली गई? ऐसा करो जनरेटर चलाते जाओ। वो तो नहीं चल सकता डैडी। क्या मतलब? वो जनरेटर की रस्सी टूटी हुई है। पहले क्यों नहीं बताया, इतनी गर्मी में कैसे बैठूंगा अब मैं? इतना छुई मुई ना बने डैडी, जितना गर्मी को महसूस करेगा उतनी लगेगी। अबू गर्मी लग रही है। तो मैं क्या करूं? भाई अबू गर्मी लग रही है ना। तो तू गर्मी को लग जा। अबू है क्या बच्चे को तपा रहा है? अच्छा मैं तपा रहा हूँ, ये तपा रहा है, फिर अभी कदर है। भाई अपने कमरे में दरवाजा लॉक है। दरवाजा क्यों लॉक है? अबू ये भाई का रोज का है, गर्मी से बचने के लिए पूरे जिस्म को इस्त्री वाले स्प्रे से गीला करता है और फिर पंखा चला के जमीन पे नंगा लेट जाता है। इस हैवान सिर्फ आदमी को मना भी किया कमरे में नंगा ना लेटा कर, फरिश्ते भी होते हैं, समझता ही नहीं। घंटे के लिए एसी लगा रही हूँ कमरे में, फिर जा सबको बुला ले, कुछ जरा ठंडे कमरे में आराम कर ले, गर्मी बहुत। हाँ बुला ले, पूरे टब्बर को ही बुला ले, मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। मेरी तरफ से खास हैरत और सलाम उन लोगों को जो सख्त गर्मी के मौसम में दिन के टाइम में शादी रख लेते हैं, और वो लोग भी जो एहतमाम के साथ ऐसी शादी अटेंड करते हैं। ये रायता बगड़ा, आप दूल्हे की साइड से? जी जी मैं उनके भाई का दोस्त हूँ। अच्छा अच्छा, ये भाईन खाने में नमक ज्यादा नहीं या मेरा जायका खराब हुआ है? जी जी आप ठीक कह रहे हो, नमक काफी है, वो दिन की शादी है ना और गर्मी भी इतनी है। समझा नहीं मैं। अरे वो दिन की शादी है ना तो जाहिर है कुक को भी पसीना आता है, तो गर्मी है जाहिर है। अच्छा अच्छा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखते हुए भी आपका वक्त अच्छा गुजरा होगा। अगर आप मेरे शो को पेट्रियन पर सपोर्ट करना चाहते हो विद एज लो एज $1, तो पेट्रियन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए एक बार फिर शहरम को इजाजत दें, कमी बेशी माफ करना। मिलता मेरे को ये अच्छा लगता है कि जो भी ये वीडियोस बनती है ना, ये काफी रिलेटेबल होती है एंड क्रिएटिंग ऑल दीज कैरेक्टर्स। मेरी फेवरेट फैमिली तो वो पान, इफी की फैमिली। ये क्या बोल रहा है? मुझे ना बड़ा मस्त लगता है, वो अपने पति को तू बोलती है। हाँ, वो दोनों एक दूसरे से बिना रिस्पेक्ट के ही बात करते हैं। दैट्स वेरी फनी। तो बहुत ही मजेदार वीडियो थी। इवन वो आम वाली बात की, although I'm not a huge fan of आम, पर हमारे घर पे भी आम वाली थोड़ी पॉलिटिक्स चलती है कि आम किसने खा लिया, आम कहाँ चले, फिर एक आधा आम छुपा के रख दिया जाता है कि ये बाद में खाएंगे। और वो पसीने वाला भी काफी, मतलब मम्मी हमें चाह रही है एक्चुअली ये होना चाहिए कि हर किचन में ना कूलर या एसी होना चाहिए। मम्मियां बेचारियां या जो भी कुकिंग ज्यादा करते हैं ना, तो वो खपे ही रहते ने, तो पता लगता है कि आज ज्यादा ही गर्मी है। Anyway, so guys, this was our reaction. Really hope that you liked it. And if you did this video, like this, bahut sare comments kar do, hamare channel ko subscribe kar do. So guys, this is Sidhu Vlog signing off. We love you guys.